अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली मेरी वैक्सीनेशन की डेट आ गई है एंड आई एम गोइंग फॉर इट। तो मैं अपनी वैक्सीनेशन अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स से कराने जा रही हूँ। यस, AMC का फेमस टीचिंग हॉस्पिटल। तो ये वाली डोज मेरी फर्स्ट डोज होगी, तो जाहिर सी बात है सेकेंड डोज होने में काफ़ी और दिन लगेंगे, लेकिन शुक्र है कॉलेज में फ़र्स्ट डोज वालों को अलाउ करें। ओ हाँ, बाय द वे, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आई एम गोना वॉक ऑल द वे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अयूब इतना करीब है तो वहाँ क्यों नहीं गई। अब मैं इसका क्या जवाब दूँ भाई, मेरी मर्ज़ी, इसकी मर्ज़ी, जिधर जाए अपनी चॉइस है। बट द थिंग इज़ कि आई एम नॉट रिग्रेटिंग माई डिसीजन कि मैंने KMC को चूज़ किया या कुछ। सो आई थिंक ऑल इज़ वेल इफ आई एम हैप्पी एंड नॉट रिग्रेटिंग। और ऑफ कोर्स आई थिंक कि हॉस्टल लाइफ इज़ एसेंशियल टू, एट लीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। और ये पहुँच गई मैं अयूब। वैसे तो ये सब को ही पता है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। अयूब का एरिया क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोकल्स आते होते हैं वॉक करने के लिए व्हेनेवर दे वांट टू, एंड नॉट स्पेसिफिकली फॉर गोइंग टू हॉस्पिटल, जो चीज़ आई थिंक KTH में नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स कॉलेज एरिया में तो नहीं अलाउ है लोगों को, लेकिन इस हॉस्पिटल का एरिया इट इज़ फॉर द पब्लिक ऑफ कोर्स। आगे से कुछ लड़कियां जा रही हैं, सो आई एम गोइंग टू फॉलो देम, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कहां से होगी वैक्सीनेशन। और फाइनली मुझे मिल गई जगह, और यहां पे बहुत सारी पब्लिक है। आई काइंड ऑफ फील बैड फॉर पब्लिक, क्योंकि इतनी गर्मी में उनको बाहर वेट करना पड़ रहा होता है। फाइनली गोइंग टू द स्टाफ वाला एरिया जहाँ पे आई विल गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन तो मैंने करा ली है। वहाँ पे नर्स थी, उनसे मैंने परमिशन ली कि सिर्फ जहाँ से आप सिरिंज में डाल रही होंगी वैक्सीन और लगा रही होंगी उसकी मैं वीडियो बना लूँ। तो उन्होंने कहा क्या करना है, मैंने कहा बस वैसी। तो उन्होंने कहा स्टेटस पे लगाना है, मैंने कहा जी। तो फिर उन्होंने एक लंबा लेक्चर दिया कि स्टेटस पे नहीं लगानी चाहिए, हर कोई खुश नहीं होता आपकी अचीवमेंट से, और मैंने मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और फलाना फलाना ये वाली बातें। तो चलो खैर, वो क्लिप तो मैं नहीं ले सकी। तो अब बात करते हैं मुझे दर्द हुआ कि नहीं, बिल्कुल पिन प्रिक की तरह फील हुआ, कुछ खास दर्द वर्द नहीं हुआ। और वैसे भी पिन प्रिक्स तो हमारा रोज़ का काम है, लैंड से हम लोगों के जो प्रैक्टिकल्स होते रहते थे फर्स्ट ईयर में, सो इट वॉज नॉट पेनफुल। तो बस यही सारी स्टोरी हुई आज, एंड आई फाइनली गॉट माय फर्स्ट जॉब एंड नाउ आई एम एलिजिबल टू गो टू कॉलेज। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे इस वबा से, और हमारा टाइम इस तरह से वेस्ट ना जाए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।